हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जो कि पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टेस्ट जो है हम जानते हैं डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये समझ लो कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टेस्ट को आप समझ लेंगे तो काफ़ी सारा ऐसा सीरीज आपको मिल जाएगा जिसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी फाइंड आउट करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है इस टेस्ट का जो स्टेटमेंट है, डी एलम्बर्ट ने क्या कहा था, लेट ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट ए एन एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन डिवाइड बाय ए एन प्लस वन जो होगा वो हमारा एल के इक्वल अगर आता है। एल कोई पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर हो सकता है, अगर एल का वैल्यू जो है ग्रेटर देन वन है देन इट इज कन्वर्जेंट। क्लियर है? और L की वैल्यू अगर लेस देन वन है देन इट विल बी डाइवर्जेंट, ये कहा है। और L की वैल्यू अगर एग्जैक्टली वन के इक्वल हो जाता है तो फेल हो जाएगा, ये जो टेस्ट है वो काम ही नहीं करेगा। समझ में आया? ये है कंडीशन हमारा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। क्लियर है? अब जो है इसमें क्या होता है ना, कभी कभी कोई कोई जो ऑथर होते हैं वो हमारा थोड़ा सा इनमें क्या कर देते हैं, इसमें इन्होंने लिमिट, मैंने ये चीज देखा है और कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये जो रेशियो है ना इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ए एन प्लस वन को पहले कर देते हैं और ए एन को बाद में कर देते हैं। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा मिल जाता है या तो आप उसको इस फॉर्मेट में बना के काम करो, ठीक है, या तो आप ऐसा चीज समझ लो कि अगर लेस देन हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर ग्रेटर देन हो गया वन से तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। और फेलियर का जो केस है वो फेलियर का केस कभी भी नहीं बदलेगा, फेलियर का केस एग्जैक्टली इक्वल टू वन पर फेल हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो है यूज करते कोई कोई ऑथर है कि कभी रेशियो जो है उल्टा कर देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर आपको इस टाइप का सीरीज मिल जाए और यहाँ इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आप ये वाला टेस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही चीज बता रखा है स्टेटमेंट में भी जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रखा है। क्लियर है? चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वही है जो मैंने आपको स्टेटमेंट में भी बताया था कि रेशियो को इन्होंने क्या किया है, जस्ट रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अगर ग्रेटर लेस देन हो गया तो कन्वर्ज होगा, ग्रेटर हो गया तो डाइवर्ज कर जाएगा, इक्वल होगा तो लेस का। अब इसका ना एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल के हेल्प से हम इसको समझते हैं। क्लियर है? देयर इज अ टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये आपके सीरीज दिए हुए हैं और इस सीरीज के कन्वर्जेंसी को बताने हैं हमको। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो हम सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? ऑब्जर्व करके जो है हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे nth टर्म वाला। ठीक, nth टर्म क्या आएगा इसका, देखो 1 बाय 2 है, फिर 2 इस टू द पावर, देखो इस चीज को 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब यहां पर 1 इंटू 1 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 1 भी कर सकते हो। क्लियर है? देखो मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूं और ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। ये जो सीरीज दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये जो सीरीज दिया हुआ है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 1 बाई 1.2 रेस टू द पावर 1, पॉइंट नहीं इंटू है वो, आप ऐसे समझ लीजिए 1 बाई 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 4 इंटू 2 रेस टू द पावर 4, इस टाइप से आ रहा है, प्लस अप टू सो ऑन प्लस। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखो 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, और ऊपर 1 ही आ रहा है तो यहां पर मैं 1 2 3 4 इस टाइप से कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। फिर यहां पर देखो 2 रेस टू द पावर 1, 2 रेस टू द पावर 2, 2 रेस टू द पावर 3, 2 रेस टू द पावर 4, तो इनटू 2 रेस टू द पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि पावर में 1 2 3 4 इस टाइप से इंक्रीज हो रहा है ना, अप टू सो ऑन। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो भी पर्टिकुलर हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, द सीरीज विल बी ऑफ द फॉर्म समेशन ऑफ 1 अपॉन 2 n इनटू 2 रेस टू द पावर n, ये हमारे पास क्या आ गया, सीरीज आ गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब जब भी हमारे पास सीरीज आ जाए तो सीरीज के साथ साथ हमें क्या करना होता है, un फाइंड आउट करना होगा एक ना, हमने ये देखा था un, तो un हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इनटू 2 रेस टू द पावर n हो जाएगा। एंड जो un प्लस 1 भी तो हमें चाहिए होगा ना, तो un प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई n की जगह पर n प्लस 1 रखेंगे
है ना, 2^n+1 हो जाएगा। ये हमारे पास un+1 हो गया, और जब ये हमारे पास un+1 हो गया तो अब हमारा काम क्या होगा, अब हम जो है यहां पर इसको un अपॉन un+1 करेंगे ना, un+1 अपॉन un करेंगे, यही तो हम करेंगे। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप un अपॉन un+1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/n+1 इंटू क्या था यहाँ पे, 2n+1 हो जाएगा क्योंकि nth टर्म था, डिवाइड बाय 1/n इंटू 2^n था, हमने un की वैल्यू रख दिया है, क्लियर है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो n इंटू 2^n डिवाइड बाई, ये नीचे आ जाएगा n+1, और यहां पर आ जाएगा 2^n+1, ये आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो ये चीज जो है जब ऊपर चला जाएगा तो यहां से 2^n है, और यहां पर ऊपर चला जाएगा तो माइनस का n माइनस का 1 हो जाएगा, तो कहने का यहां पर जो हमारा 1/2^1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देखो इसको ऊपर ले जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा 2^n और इंटू 2^-n-1, तो ये जुड़ जाएगा ना 2^n-n-1, तो इससे कैंसिल हो रहा है, 2^-1 बच रहा है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, अल्टीमेटली 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट होकर के, तो n अपॉन 2 इंटू n+1 टाइप का हमारे पास बन जाएगा, क्लियर है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे इसको सॉल्व करते। देखो यहां से हम अगर मैं n को कॉमन ले लेता हूं, है ना, n को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो un+1 डिवाइड बाय un इज इक्वल टू, यहां से n कॉमन लूंगा मैं तो n अपॉन 2, n कॉमन लूंगा तो 1+1/n हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान बन जाएगा ये चीज। ठीक है, 2 इंटू 1+1/n हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या, लिमिट n→∞ un+1/un। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट n→∞ 1/2 और यहां पर 1+1/n टाइप का बन जाएगा, और जब अप्लाई कर देंगे तो 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 1/2, ये जब हमने इनफाइनाइट की ओर ले गए, 1/2 कब आया, जब हमने n को इनफाइनाइट को अप्रोच करवाया। ठीक है, तो 1/2 आ गया हमारे पास। अब चूंकि इसका जो लिमिट है वो लेस देन 1 है ना, सिंस 1/2 इज लेस देन 1 है। अब देखो un+1 वाला टर्म हमारा ऊपर है, ये वाला हमने कंडीशन यूज किया है ना, an+1 या फिर un+1, तो प्लस वन वाला टर्म हमारा जो ऊपर है तो लेस देन के लिए कन्वर्जेंट होता है, तो लेस देन 1 आ गया ना। सो इट मीन बाय रेशियो टेस्ट, इट मीन बाय बाय रेशियो टेस्ट हम ये कह सकते हैं इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये चीज हमको बताना था। तो होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी आप कह सकते हो, या फिर रेशियो टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। एक चीज आप मजे की बात में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ना दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरे वे में कैसे सॉल्व कर सकते थे, इसको आप कंपेरिजन टेस्ट के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे। कंपेरिजन टेस्ट मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है, वो आपको जो है मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है। तो कंपैरिजन टेस्ट, देखो हमारे पास जो सीरीज था ना, वो हमारे पास जो था, मैं इसको फॉर्म में, देखो ये सीरीज था हमारे पास, समेशन 1/n(2^n) टाइप का सीरीज था। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, हमें इस टाइप का बनाने हैं। बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो 2^n जो है ऑब्वियसली बात है ग्रेटर होगा n से ही, है ना, ये तो कॉमन से। अब मैं n से क्या करूंगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूंगा, n इंटू 2^n, ये भी हमारा ग्रेटर हो जाएगा n स्क्वायर से। रेसिप्रोकल ले लेता हूं मैं, तो 1/n(2^n) इज लेस देन 1/n2, क्लियर। अब समेशन में अगर दोनों साइड में ले लेता हूं तो देखो क्या बन जाएगा, 1/n(2^n) इज लेस देन
समेशन वन बाई एन स्क्वायर। अब देखो, अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता रखा ना ऑलरेडी कि जो है पी सीरीज टेस्ट है ना, पावर में देखो टू है ना, वन से ग्रेटर है, तो वन से ग्रेटर है तो इट मीन बाय पी टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट है ना। अब कंपैरिजन टेस्ट लगाऊंगा मैं फर्स्ट, कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट लगाने के बाद ये हमारा भी कन्वर्जेंट बन जाएगा। पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो रहा है, कंपैरिजन टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। दो टेस्ट इसमें लग रहा है और हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो ये भी हमारे पास तरीके है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए जो है डी एल लंबर्ट रेशियो टेस्ट हर क्वेश्चन में आप यही सोच रहे हो, इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देख करके पैटर्न समझ के उसी हिसाब से वर्क करना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो तभी आपको ये चीज पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने डीएलएमबीट भी लगा लिया, इसमें रेशियो टेस्ट हो सकता है कि कोई और भी टेस्ट आप अप्लाई कर पाओ। आगे हम और भी कोई कई सारे टेस्ट के डिस्कशन करने वाले हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इसको देखते हैं, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसमें एक तो जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, देन दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्लियर। तो उसको आपको ट्राई करना है और मुझे आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर मैंने वही चीज आपको जो बता रखा है, सेम चीज आपको हमेशा के हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द सीरीज, ठीक। जो सीरीज दिया हुआ है उसके पैटर्न को आपको फॉलो अप करना है। तो फॉलो, देखो इसको पैटर्न क्या है, अगर चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या सीरीज दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, उसकी पावर 2 दिया है, फिर 1, 2, 3, 5 इसकी पावर 2 दिया है ना। एक पैटर्न और लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाएगा, ज्यादा स्पेसिफाई करना है। एक पैटर्न और ले लो आप, एक टर्म और ले लो, ठीक, इसका पावर 2 हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। क्या दिख रहा है, देखो 1, 2, 3 इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन तक जा रहा है, सीधा है ये एन तक जा रहा है, ठीक है। तो एन तक जा रहा है, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। ये जो है हमारा 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये एन तक जा रहा है, डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर 3, 5 ये जो हमारे पास बन रहा है 3 × 5 × 7 अप टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2n+1 टाइप का बन रहा है। आप चेक कर लो, ऑड नंबर्स हमारे पास आ रहा है सारे के सारे। तो ये जो है एक हमारे पास क्या बन गया, एक सीरीज बन गया, हमारा जनरल सीरीज बन गया। तो जनरल सीरीज का यूज करके हम यहाँ पर एक को un मानेंगे, ठीक। तो un मानेंगे, तो un जो है यहाँ से क्या आएगा, देखो लेट यू एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 × …n तक आ जाएगा, डिवाइड बाय, सॉरी यहां पर ना थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या है, स्क्वायर है ना हमारे पास, तो इसको आप प्लीज स्क्वायर ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा स्पेस था नहीं तो मुझे थोड़ा सा दिमाग सिंगल गया, कोई बात नहीं, अब इसको करेक्ट कर लीजिए, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पर एन आ जाएगा। अब दूसरा हमारे पास पैटर्न क्या आया था, 3 × 5 × 7 up to so on × 2n+1 ये आ गया, और इस पूरे का जो होल पावर था हमारे पास वो क्या था, 2 था, ठीक है। अब देखो un प्लस वन हमें निकालनी होती है, तो un प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पर n है वहां हमें n प्लस वन पुट करना होता है, तो 1 × 2 × 3 up to so on, देखो n आ जाएगा, फिर अगला टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, n × n+1 आ जाएगा, यही तो हो रहा है हर टर्म में, क्या हो रहा है, एक टर्म हमारा इंक्रीज हो रहा है, देन दूसरा हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3 × 5 × 7 up to so on, 2n+1 × अगर n प्लस वन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2n+3 आ जाएगा, क्लियर। तो ये जो है हमारे पास पैटर्न आ गया, और इसका क्या है, स्क्वायर होना है। अब देखो un/un+1 हम करेंगे, un+1/un करेंगे, तो un हमारे पास अगर आ जाएगा तो देखो ये टर्म और ये टर्म डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, n × n+1 डिवाइड बाय
थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू जो है 2n+1 आ जाएगा, और इस पूरे का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 इंटू टू इंटू थ्री अप टू सो ऑन एन इंटू एन प्लस वन, डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू अप टू सो ऑन 2n+1 इंटू 2n+3 आ जाएगा, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग एक चीज, एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे, देखो ये जो n n प्लस वन वाला टर्म है, ठीक है, n n प्लस वन वाला टर्म है, यहाँ पर हमारे पास ये, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ हमारे n आएगा, ठीक n है ना, ये नहीं सॉरी, यहाँ पर हमारा यू एन वाला टर्म लिखेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा यू एन प्लस वन टर्म लिखेंगे ना, अरे ये यहाँ इसको थोड़ा सही कर लेते हैं ना, देखो ये थोड़ा गलत हो गया, हमने यहाँ पर जो है यू एन प्लस वन टर्म लेना है ना, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, जब यू एन प्लस वन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने ऊपर मिक्स अप हो गया ये, ठीक है, इसको मैं अभी सही करके आपको बता देता हूँ एक्चुअल में क्या करना है यहाँ पे, और बहुत आसान होते हैं ये टेस्ट जो है, आप अगर लगाएंगे तो आपको काफ़ी मतलब थोड़ा हेल्प रहेगा, हेल्पफुल रहेगा ये। देखो कैसे, अब यहाँ पर सही से कर लेते हैं इसको, यू एन प्लस वन वाला टर्म हमें पहले रखना है, तो वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू सो वन एन इंटू एन प्लस वन रहेगा, डिवाइड में थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन अप टू सो वन 2n+1 इंटू 2n+3 टाइप का रहेगा, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में हमारा un वाला टर्म रहेगा, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो वन एन, डिवाइड में 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू सो वन 2n+1 वाला रहेगा, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां से ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले, ठीक है, ये वाले टर्म, और ये n प्लस वन टर्म n प्लस वन टर्म से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करके देख लीजिएगा, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन है वो क्या बचेगा, देखो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन जो बच रहा है वो n प्लस वन डिवाइड बाय 2n+3 बच रहा है। अब इसको देख लीजिए करके, और इसका स्क्वायर बच जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देना है। तो लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इसका जो है आप n कॉमन ले लो, दोनों साइड से n ले लो कॉमन, तो n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कहने का मतलब, और नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1+1/n, ठीक है, और डिवाइड में n प्लस सॉरी 2 आ जाएगा ना, 2+3/n आ जाएगा, 2+3/n आ जाएगा, और इसका जो है पूरे का आपका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ये डिवाइड बाय n और पूरे का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो लिमिट अप्लाई कर दोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1+1/n डिवाइड बाय 2+3/n और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अप्लाई कर दोगे तो ये तो टोटल जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर बच रहा है, दैट मीन 1/4 आ जाएगा, और 1/4 आपको पता है कि ये 1 से लेस है, तो ये हमारा सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास अभी है, इस क्वेश्चन को प्लीज आप घर में एक बार ट्राई करिए, आसान है, अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि ये कन्वर्जेंट आ रहा है या डाइवर्जेंट आ रहा है या कैसा आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने, तभी जा करके ये टेस्ट आपको क्लियर होगा। क्लियर, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और नए टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।